Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अनदर व्लॉग एंड आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह से हशर बड़ा बुरा है, कल व्लॉग पिछले वाले यही कपड़े पहने हैं क्योंकि कल व्लॉग डाला है और फिर आज दोबारा से शूट कर रही हूँ। तो रोज़ रोज़ मैं आप लोगों के लिए कपड़े नहीं चेंज कर सकती, दुपट्टा चेंज कर सकती हूँ वो मैंने कर लिया है, ठीक है। तो सुबह का टाइम है, सुबह उठ के उठते सारी जाहिर बात है सबको नाश्ता चाहिए होता है, मुझे भी नाश्ता चाहिए होता है। आओ कि देखते हैं फ्रिज में किचन में देखते हैं कुछ मेरे खाने का मिल जाए, क्योंकि मुझे ना आज सुबह सुबह उठ के ना वैसे तो दलिया ब्राउन ब्रेड ये खाने का दिल करता है, बट मेरा आज सुबह सुबह खाने को दिल करे कुछ चटपटा सा। तो चल के देखते हैं कि आज क्या है और क्या खाते हैं। सो लाइटिंग थोड़ी सी कम है यार, समझ आएगा। और अच्छा, मैं बड़ी नोट कर रही हूँ, मैंने पीछे मोबाइल में, हाँ मैंने मोबाइल ठीक कराया था ना, तो बंदे का कार्ड, उसने 10 दिन की जो वारंटी शारंटी दी हुई थी, अच्छा ये मोबाइल का कार्ड पीछे रखा हुआ है, देखो निकाला ही नहीं है। सो चलते हैं नाश्ता करते हैं यार, बातें। अच्छा फ्रिज खोलते सारी मुझे मिल गया है पिज़्ज़ा, क्योंकि रात को मैं सोई भी थी तो किसी ने मंगवा लिया होगा। तो अब चल के देखते हैं कि ये जिस मर्ज़ी का था तो अब हम भी खाएंगे और हम भी इंजॉय करेंगे जी। अब इसको करेंगे हम लोग गर्म, एक दो हल्का करेंगे। पहले मेरे घर में बन रहा था गोभी आलू और अभी मेरे घर में बन रहा है आलू कीमा, क्योंकि गोभी किसी को पसंद नहीं है और आलू कीमा सारे खा लेंगे, तो घर में आलू कीमा बन रहा है। सुबह 10 बजे मेरी अम्मी खाना शाना बना के फारिग हो जाती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद गर्मी होती है और हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए सुबह ही खाना बना लेती हैं। का जो नाश्ता है वो है मेरा ये, साथ है जनाब पिज़्ज़ा और साथ ये है सुपर स्प्रिंग फ्लेवर और साथ है मेरा कपकेक। सो मैं ये खाऊंगी और साथ साथ मैं अपने फेवरेट व्लॉगर को देखूंगी और साथ नाश्ता एंजॉय करूंगी। तो रिवाज वालों का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, डॉक्टर रशीद का सबसे अच्छा। हाँ डॉक्टर रशीद का भी ये ले आई, ये कह रही डॉक्टर रशीद का सबसे अच्छा लगता है, गंदे मुँह पर नहीं होता ये, साफ मुँह करो चुप करो कह रही। देखते हैं ये डॉक्टर रशीद का ब्लैक हेड मार्क्स लाइए ये कैसा है। चारकोल है इसमें, तो चारकोल रिमूव ब्लैक हेड्स वाइटनिंग कम्प्लेक्शन। ले जाना बहन, हमने कौन सा कहा है हमें दे के जाना। मैंने इसको कहा है मुझे भी दो कि मैं भी लगा के चेक करूं कि कैसा है। सो अब मैं भी लगाती हूँ। सबसे पहले हम जो है ना, मेरी बहन का ऑर्डर है कि ढक्कन खोल के लगाना है। सबसे पहले ऑर्डर आया है ढक्कन खोल के लगा रहा था, लगाती हूँ इससे पहले कि ये जो है ना मेरे। सो मेरी बहन का ऑर्डर था कि थोड़ा सा लगाना है ये फैल थोड़ा कहती है कह रही है तो ये तुमने क्या किया कपड़े से उतारे हाथ से, कहती है थोड़ा सा लगाना ये फैल जाएगा डॉक्टर रशीद का। वैसे तो मैं रिवाज वाला यूज़ करती हूँ लेकिन आज मैंने पहली दफ़ा डॉक्टर रशीद, कह रही है ये अच्छा है रिवाज का अच्छा नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। अब मैं ज़रा इसको काम करके आती, मैं ढक्कन लगाती हूँ अब मैं इसको क्या करा। ये जो इतना क्यूट सा पंखा है ना, इसकी मदद से मैंने इसको ड्राई किया। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इसको रिमूव करना होता है और ये जो है ना, सच बताऊँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं था रिवाज का, इसकी क्वालिटी में बहुत अच्छा है, एक भी ब्लैक हेड्स नहीं है। ये लोग तो बातें ही ख़त्म नहीं होंगी इनकी। मामा बड़ा सावला मुख न मोड़ी। सो जनाब यहाँ पे सिंगिंग विंगिंग हो गई। आज मेरी और मेरी बहन की दोस्तों का गेट टुगेदर है, यानी कि जो उसकी दोस्त है उसकी जो बड़ी बहन है वो मेरी दोस्त है, जाहिर बात है। तो काफ़ी स्कूल की दोस्तों का काफ़ी, हम तकरीबन 6 साल बाद मिल रहे हैं। तो वो हमने सबको कहा था कि आप KFC में स्कूल की भी है कॉलेज की भी है सारी जो है दोस्तों का, ठीक है। तो हमने उनको कहा था सारी KFC मिलो, ठीक है। सारी KFC आ गई थी और मेरी बहन की भी थी, तो हमने वहाँ से जिसने सब ने आपस में ये सारे पैसे वगैरह मिलाए और जिसने जो जो ऑर्डर करना था वो किया और वहाँ से हमने टेक अवे किया और फिर हम लोग मेरे घर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि एक तो इन लोगों के ड्रामे नहीं ख़त्म होते, किसी को क्या पसंद है किसी को क्या पसंद है, और आपको पता है सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास KFC होता है, तो KFC का। और दूसरी बात है किसी को ओरियो आइसक्रीम पसंद है, इन सब ने दूसरी सिंपल कौन आइसक्रीम ली और मैंने ओरियो ली, जस्ट इसलिए कि मैं अभी खा नहीं सकूँगी घर जाके खाऊँगी, बट मेरी आइसक्रीम ज़्यादा मज़े की थी। तो ये मुझे कह रहे थे तुमने हमारे साथ चीटिंग की है, ये किया वो किया, तुमने खुद अच्छी ले लिया हमें अच्छी नहीं ली। मैंने कहा तुम लोगों की अपनी मर्ज़ी है, तुम लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी में ली है। आज मेरी दोस्तों की अलग दोस्तों की गेट टुगेदर थी तो हमने सोचा सारे सारी पैसे मिलाती हूँ और KFC जाती हूँ और वहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं बनाएंगे।
तो अब हम वो खाएंगे। सो आज का व्लॉग यहीं तक था ना। आप ऐसे क्यों खुश हो रहे हैं? ये तो अलीना की दोस्तों की गेट टुगेदर है। भूख लग सारी मेरी दो दोस्तें हैं ना, हम लोग लेकर आ गए। इनमें से कोई भी कैमरे के सामने तो ज़हर पता कोई आएगा ही नहीं, तो पिक्चर बनाते हैं और अभी हम लोग खाना खाते हैं। दोपहर का 2 बजे का टाइम, क्योंकि इनमें से कोई कैमरे में नहीं आएगा, मेरे ब्लॉग में कोई आना ही नहीं चाहता। नहीं ऐसी बात नहीं है, ज़हर पता सबको अलाउ नहीं होता, कोई किसी की क्या मजबूरी होती है। क्यों अलीना एक बोटी एक्स्ट्रा यार, इसको बोटी ही पड़ी है। गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हम लोगों ने की है, कितना प्यारा वैसे गिफ्ट था, छोटा सा बच्चों वाला, बच्चे की किसी और का था भाई, हमारा नहीं। तो जनाब आज मुझे पता चला है कि आज है पाकिस्तान और इंडिया का मैच, तो मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि तैयार होने से ये होगा कि क्या पता मेरे तैयार होने से पाकिस्तान जीत जाए। नहीं वैसे भी मैच जब हो तो हमारे पूरे घर में मैच की बड़ी मतलब शोर होता है, और ख़ास कर जब हो इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। तो मैं तैयार हुई थी, मैंने कहा मेरे तैयार होने से क्या पता पाकिस्तान जीत जाए। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं आराम सुकून से मैच देखूंगी, मैं मैच का व्लॉग नहीं बना सकती। तो आप लोग भी मैच को एंजॉय कीजिएगा, ये व्लॉग आपके पास कल आएगा, आप लोगों को तो पता चल चुका होगा कौन पास हुआ है, कौन पास हुआ है, दिमाग ख़राब हो गया, टीचर हूँ ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, परसीना मुझे कितना ज़्यादा आ चुका है। बहरहाल ब्लश ऑन लगाती हूँ और फिर उसके बाद अच्छा से तैयार होकर मैच देखूँगी। अल्लाह हाफिज़।